नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की एक नई अपडेट के बारे में। जो फ्लिपकार्ट की तरफ से एक अपडेट आई है, अभी क्या हुआ था दोस्तों, एक से दो दिन पहले मैंने जितने ऑर्डर्स डिस्पैच किए थे, मतलब आप मान लीजिए अगर मैंने 150 ऑर्डर डिस्पैच किए थे, उसमें 60-70 ऑर्डर्स की शिपिंग जीरो दिखा रही थी। तो उसकी मैंने टिकट रेस करी फ्लिपकार्ट में, क्योंकि मेरे लिस्टिंग पोर्टल पे जब मैंने उन्हीं प्रोडक्ट और एसकेयू आईडी की चेक करी तो लिस्टिंग में शिपिंग तो शो कर रही थी जितनी जितनी प्रोडक्ट की शिपिंग होनी चाहिए थी। तो जब फ्लिपकार्ट की टीम से मैंने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा मुझे पैकिंग लेबल की फोटो भेज दो जिसका आपको शिपिंग जीरो शो कर रहा है। तो उन्होंने वैलिडेट किया, चेक किया, एक से दो दिन का टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। वो इसीलिए हो रहा है कि जो फर्स्ट टाइम कस्टमर यूजर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है तो उसको फ्री शिपिंग ही जाती है उनके एंड से, और फ्लिपकार्ट जो है फ्री शिपिंग प्रोवाइड करती है उन कस्टमर्स को, तो इसीलिए उन्हें शिपिंग दिख नहीं रही है, उनको चार्ज नहीं हो रही है। लेकिन आपकी जो सेटलमेंट अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी, और आपको जितनी सेटलमेंट अमाउंट मिलनी चाहिए वो उतनी ही मिलेगी। आपके पास अगर शिपिंग शो है, दिख रही है, तो आपको उतनी ही अमाउंट चार्ज की जाएगी फ्लिपकार्ट के द्वारा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई है जिससे आपको शिपिंग चार्ज का कुछ इशू आ रहा है फ्लिपकार्ट के साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और उसी के साथ साथ सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑनलाइन।